जासूसी केस में पाक हाई कमिश्नर के अफसर महमूद अख्तर के शामिल होने के खुलासे के बाद पाकिस्तान अपने 4 और अफसरों को वापस बुला सकता है। हालांकि अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन में छपी खबर के मुताबिक इस सिलसिले में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। डॉन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नवाज शरीफ सरकार भारतीय उच्चायोग से कमर्शियल काउंसलर सैयद फारूक हबीब, मुख्य सचिव खादिम हुसैन, मुदासिर चीमा और शाहिब इकबाल को वापस बुला सकती है। महमूद अख्तर ने दिल्ली पुलिस के सामने अपने कबूलनामे में इन 4 अधिकारियों का नाम लिया था और बताया था कि यह सभी ISI से जुड़े हैं। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत पर दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा करने का आरोप लगाते हुए अपने अधिकारियों का बचाव किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने अख्तर को देश निकाला देकर कूटनीतिक मानदंडों को तोड़ा है। इसे न सिर्फ भारत में मौजूद अन्य अधिकारियों में तनाव है बल्कि वहां उन्हें जान का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर जासूसी कांड ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। साथ ही सीमा पार से लगातार फायरिंग से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है जहां किसी भी तरह का समाधान फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा। देखते रहिए डीबी लाइव।